आज किस तरह के हालात हैं और अभी क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू जारी रखा है और क्या जो है प्रिकॉशन सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं? देखें, कल की जो सिचुएशन थी उसके बाद में कर्फ्यू इम्पोज किया गया। शाम तक हालात काफ़ी कंट्रोल में आ गए। छोटी मोटी घटनाएं हुई, आगजनी की घटनाएं हुई जिसमें कुछ गाड़ियों को सेट ऑन फायर किया गया और किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ, समहाउ कंट्रोल किया गया। उसके बाद में प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ में बात की गई, सभी कम्युनिटीज़ के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। रात का कर्फ्यू बड़े अच्छे ढंग से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, सभी लोगों ने किसी तरीके से बाहर नहीं आए। रात से हालात बड़े काबू में हैं, पर आज भी हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स कर्फ्यू रखा है तो कर्फ्यू लगातार रहेगा और हम दोपहर के बाद में देखेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन होती है। तो लोगों से भी ये अपील है, किसी तरीके की रूमर्स ना फैलाएं, किसी तरीके से अभी आप बाहर ना आएं, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, इसको सिचुएशन को कंट्रोल करने में सहयोग करें। तो आर्मी की भी हेल्प ली गई? आर्मी की भी ली गई है, पैरामिलिट्रीज की भी ली गई है, पुलिस की ली गई है, सभी तरीके से पूरी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, स्टेट पुलिस है, पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी तरीके का जो है सिक्योरिटी ब्रीच या पीस ब्रीच नहीं होने दिया। तो मतलब आज क्या कर्फ्यू रहेगा पूरा? अभी कर्फ्यू रहेगा, शाम तक फिर डिसाइड किया जाएगा सिचुएशन असेस करने के बाद में, पर अभी कर्फ्यू रहेगा। और सभी लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर्फ्यू में जो है प्रॉपर इन्फोर्स होने दें, किसी भी तरीके से बाहर न आए, आप अपने घरों में रहें और फोर्सेज को उसमें बड़ा कोऑपरेट करें।